उधर पोलैंड के शरणार्थी शिविरों में रह रहे यूक्रेन के लोगों पर अब मानव तस्करी करने वाले गिरोह खतरा बनकर मंडराने लगे हैं। बताया गया कि ऐसे कई गिरोह वहां यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर बने शिविरों के आसपास देखे गए, जिनकी नजर वहां कई शहरों में बनाए गए शिविरों में रहने वाले बच्चों और महिलाओं पर बनी हुई है। यूक्रेन में चल रही भीषण जंग से जान बचाकर लोग बड़ी संख्या में पोलैंड पहुंच रहे हैं, जिनमें सैकड़ों शरणार्थियों को वहां मेदेका शहर में बने कैंपों में भी रखा गया है। और ऐसे ही कैंपों में रह रहे लोगों पर मानव तस्करी करने वाले गिरोहों की नजर गड़ गई। बताया गया कि गिरोह में शामिल लोग लड़कियों और महिलाओं को पोलैंड में रहने की अच्छी जगह दिलाने का लालच दे रहे हैं, ताकि युद्ध में अपना सब कुछ गंवा चुके लोग उनके जाल में फंस जाएं। हालांकि मेदेका शहर के प्रशासन ने दावा किया कि कैंपों के आसपास जाल बिछा चुके ऐसे गिरोहों पर उनकी पूरी नजर है, लेकिन शरणार्थियों की भारी संख्या उनके लिए परेशानी बन रही है, क्योंकि रूसी हमले की शुरुआत से अब तक करीब 36 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा लोगों ने पोलैंड में शरण ली और उनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जबकि एक महीने से रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन में लोग खाने और पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं। सबसे खराब हालात वहां के मारियोपोल शहर में है, जिसे रूस की सेना ने जंग शुरू होने के बाद से ही घेरा हुआ है। मारियोपोल से बचकर निकली एक 27 साल की लड़की ने दावा किया कि उसकी आंखों के सामने ही प्यास की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई। यही नहीं, विक्टोरिया नाम की उस लड़की ने बताया कि वहां लोगों के पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, क्योंकि रूस की सेना ने शहर में पानी, खाना, दवाई, बिजली और गैस की सप्लाई को रोक दिया है। विक्टोरिया के मुताबिक जान बचाने के लिए बंकरों में छिपे लोग अब भूख से मरने की कगार पर है। असल में मारियोपोल ही यूक्रेन का वो शहर है जिसने रूस के हमलों की सबसे ज्यादा मार झेली। वहां के डिप्टी मेयर के मुताबिक रूसी हमले ने मारियोपोल शहर के 90% हिस्से को पूरी तरह तबाह कर दिया।